हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 5 नए नोटिफिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करने वाले हैं, दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टडी सेंटर को इग्नू की तरफ से चेंज कर दिया गया। साथ ही आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसलिए दोस्तों, एक ऐसा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए नया लिंक जारी कर दिया गया, साथ ही आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी डेट शीट जारी कर दी गई है। सो दोस्तों, एक एक करके इन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले तो इग्नू की तरफ से कल की डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए, आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, फील्डवर्क जर्नल्स को सबमिट करने के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स DEC प्रोग्राम वाले हैं उनके प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए लास्ट डेट को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया। दोस्तों, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया। सो उसके बाद में आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कह रहे थे कि हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के लिए कहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो दोस्तों, एक बार आप अपना एग्जाम फॉर्म वाला पेज जरूर ओपन कर लीजिए। इसमें जो सबसे पहली लाइन दी गई है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जून 2021 टर्मेड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन जून 2021 हैव बीन पोस्टपोन ड्यू टू आउटबर्स्ट एंड इन्फेक्शियस ग्रोथ ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस COVID-19। इसमें अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम्स जो कि जून में शेड्यूल थे वो पोस्टपोन कर दिए गए, लेकिन अभी जो फ्रेश डेट्स हैं उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जुलाई में या फिर अगस्त में कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए इग्नू की तरफ से जल्दी ही कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने वीडियो में बताया था कि आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए भी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, लेकिन आपकी लास्ट डेट आप अगर अभी भी चेक करते हैं तो भी आपकी लास्ट डेट री रजिस्ट्रेशन वाले पेज में 15 जून ही लिखी गई है, जबकि इग्नू की तरफ से इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। री रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल लास्ट डेट को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कुछ नए नोटिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स का सबमिशन स्टेटस पहले ही अपडेट कर दिया गया था, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सबमिशन स्टेटस अभी अपडेट किया जा रहा है। सो लेटेस्ट 15 जून को भी अपडेट किया गया है, क्योंकि दोस्तों बीच में कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल, कॉलेजेस, रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स ये सभी बंद थे। इसकी वजह से आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा था, जो कि अभी फिर से चालू कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिलीगुड़ी और रघुनाथगंज रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। अगर दोस्तों आप MA इन इंग्लिश कर रहे हैं, MEG कोर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, तो आप सभी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आप इसको डाउनलोड करके इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके सभी 4 कोर्सेज के लिए, 4 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए गूगल मीट का लिंक दे दिया गया है। सो आप इस लिंक को फॉलो करके और अपनी क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है अलीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अलीगढ़ रीजनल सेंटर के अंदर 2 ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है, और उनमें जो भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे थे उनके स्टडी सेंटर अभी बदल दिए गए, और जिन जिन स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर बदले गए हैं उनकी भी लिस्ट अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जारी कर दी गई। सो अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है। सो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली दिया गया है कि जो ऐसे 2 स्टडी सेंटर्स हैं जिनको चेंज किया गया है, जिसमें एक का कोड है 2760D और दूसरा है 47041D, इन दोनों को अभी बंद कर दिया गया और इनके स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए गए। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको शिफ्ट किया गया है, जिनका पहले 2760D वाला स्टडी सेंटर था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिस्ट के लिए आप इसको डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टडी सेंटर वाले थे 47041D वाले, उनके लिए अलग से लिस्ट दी गई है। सो आप एक बार ज़रूर इस लिस्ट को डाउनलोड करके और अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक स्टडी सेंटर से कनेक्टेड थे तो आपका स्टडी सेंटर अभी चेंज कर दिया गया।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन है बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से। बैंगलोर रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ कर रहे थे उन सभी के लिए उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और वाइवा वोस के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए। सो दोस्तों आप अगर इस कोर्स को कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है देवगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। पहले आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो भी गूगल फॉर्म या फिर असाइनमेंट सबमिशन के लिए मेल आईडीज जो भी लिंक्स दिए गए थे अभी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें कंप्लीट जानकारी दे दी गई। अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया गूगल फॉर्म यहाँ पे जनरेट किया गया है जिसमें आप अपने असाइनमेंट्स जमा करवा पाएंगे। ये ऊपर में जो ओल्ड वाला लिंक है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है वो दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक नहीं करना। ये सेकंड वाला लिंक दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके और अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इस लिंक को क्लिक करने के बाद में आपका पेज कुछ इसी टाइप से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिखनी है, आपको अपना स्टडी सेंटर कोड, अपने एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। प्रोग्राम कोड में आपका डिग्री कोड होता है, उसके बाद में कोर्स कोड में आपका सब्जेक्ट कोड, और उसके बाद में आपको सबमिशन की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। जिस दिन आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पे इंटर करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पे ऐड फाइल को क्लिक करके आप अपनी स्कैन पीडीएफ अपलोड कर देंगे। लास्ट में दिया हुआ है सेंड मी ए कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेज। अगर आप जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उनकी कॉपी आपको आपकी मेल आईडी पे भेजा जाए तो इसके लिए आप इसको टिक कर सकते हैं और उसके बाद में सिंपली आपको सबमिट कर देना है। एक एक करके आप अपने सभी असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये थे 5 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए या अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो दोस्तों आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं या अपना एग्जाम फॉर्म मुझसे फिलअप करवा सकते हैं या री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मुझसे फिलअप करवा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आप सभी स्टूडेंट से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।